एससी ने महाराष्ट्र में डांस बार लाइसेंस मानदंडों को आसान बनाया। 11:30 बजे का समय बंद हो गया। मुंबई डांस बार मामला। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा डांस बार चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित कड़े शर्तों में ढील दी और डांस परफॉर्मेंस के लिए 5.5 घंटे का समय बरकरार रखा। अदालत ने 2016 के आदेश के तहत लाइसेंसिंग के प्रावधानों को संशोधित किया और राज्य में डांस बार के कामकाज पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। अदालत ने कहा कि डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं दे सकते, पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि 2005 के बाद से महाराष्ट्र द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। नियम हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुल शराबबंदी की राशि नहीं होनी चाहिए, संशोधन में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार में ऑर्केस्ट्रा की अनुमति दी। सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन बार के अंदर नकदी और सिक्कों की बौछार की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने मुंबई के डांस बार में सीसीटीवी लगाने की महाराष्ट्र सरकार की शर्तों को खारिज करते हुए कहा कि यह निजता का उल्लंघन करता है। एससी ने 6:00 बजे से 11:30 बजे तक महाराष्ट्र में डांस बार टाइमिंग फिक्स करने की शर्त रखी। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के एक नियम को बरकरार रखा है, जिसके तहत कामकाजी महिलाओं के पास अनुबंध होना चाहिए ताकि उनका शोषण न हो। हालांकि बार डांसरों के लिए मासिक वेतन के एक नियम को रद्द कर दिया गया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।